चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR। हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और तमाम जो सवालात हैं उनके जवाब लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली अपने जो उसके अपने डिपार्टमेंट है, कम से कम उनको तो संभाल लो। DTC के हमारे कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है, क्लस्टर बसें चला दी गई है, उनमें सवारी नहीं बैठती, उनको किलोमीटर के स्कीम से पैसे दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 3-4 महीने से उन्होंने अपनी हालत को संभाली नहीं जाती। 2-3 सिर फिरे व्यक्ति कहूँगा मैं, जिनको केवल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए तो उनके पास पैसा होता है, लेकिन काम करने के लिए पैसा नहीं। आज स्थिति ये है दिल्ली की, और अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी मैं उसका एजेंडा भी आपको दिखाऊंगा, और पिछले एजेंडे के बारे में भी आप आ जाइए मेरे साथ जल बोर्ड में बैठिए। कितने उन्होंने जो वर्क अवार्ड होने थे सारे के सारे कैंसिल कर दिए। तो ये स्थिति भ्रष्टाचार को लेकर तमाम आरोप रोजाना लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वास्तव में ऐसा है भ्रष्टाचार? अगर मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं कि MCD में भ्रष्टाचार है, उनके अपने निगम पार्षद भी है, कांग्रेस के निगम पार्षद भी है, तो अगर ऐसा है तो उनके आवाज क्यों नहीं उठाते? हाउस चलने नहीं देते, उनके विधायक है क्योंकि बहुमत में 10-10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर है उनके, जो उनकी तरफ से नॉमिनेट किए हुए 5-5 विधायक नॉमिनेट किए हुए, उन जो वो आते हैं उनकी केवल एक ही बात होती है कि सदन में अव्यवस्था करना, सदन को चलने नहीं देना। अब हमारा नेता प्रतिपक्ष है आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम चौहान, हमारी मेयर के सामने वो कपड़े फाड़ने लग गया, ये सभ्यता होती है क्या? यह संस्कृति है क्या? मैं ये कहता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये अराजक लोगों का जमवाड़ा है, और इसी के बल पर इन्होंने सरकार बनाई थी, झूठे वादे करके, बिजली फ्री, पानी फ्री, और अब मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, मेरे टेबल पर बिल पड़ी है तो आपको शायद अभी होंगे, ये अब लोगों के बढ़े बिल आ रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं थोड़ा ले आऊँगी, आप रखे हुए डेली मेरे पास 4-5 लोग ऐसे आते हैं जी, हमारा तो पहले तो बिल आया नहीं, अब लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बिल भेज दिया, ये आप देख सकते हैं ऐसा है। आगे क्या किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से लगातार जो आरोप प्रत्यारोपण आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी है, आने वाले निगम चुनावों के मद्देनजर ऐसा है क्या, ये चाहते हैं कि निगम की सत्ता में आ जाए बीजेपी बदनाम को, ऐसा लगता है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इस कॉरपोरेशन को बदनाम करने में तुले हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोरोना काल में हमारे जितने सफाई कर्मचारी थे, DVC वर्कर थे, CFW थे, हमारे अध्यापकों को भी हमने खाने पर लगाया है, केवल MCD के कर्मचारी ही सड़कों पर थे। मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं हर रोज़ कहीं न कहीं अपने वार्ड में चाहे भोजन की व्यवस्था में लगा हुआ था या सैनिटाइज करा रहा था, कैंटोनमेंट जो जोन हो गए थे, जो गलियाँ सील हो गई थी, वहाँ भी हमारे सफाई कर्मचारियों ने जाकर उन लोगों को जो अपने इस कोरोना काल में साथ छोड़ देते, हमारे सफाई कर्मचारियों ने उन गलियों से भी कूड़ा उठाया है, और मैंने स्वयं जाकर वहाँ सैनिटाइज कराया है। हम इस बात से नहीं डरे क्योंकि जनता के साथ हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और यहाँ के मंत्री जी और विधायक, आपने 5 महीने में अगर कहीं दिखाई दे तो मुझे बता दें कहाँ गई हूँ कि मशीन आई थी जापान से सैनिटाइज करने के लिए, एक दिन सेव पीस के लिए एक मशीन चलाई थी, वो मशीन कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन व्यवस्था करना हमारे सफाई कर्मचारी, और हमने उनको सोशल डिस्टेंसिंग के जो सर्कल बनवा कर ये व्यवस्था हमने की थी कोरोना काल में, तो हम तो कहते हैं कि आज भी मैं चैलेंज करता हूँ सफाई व्यवस्था के बारे में, कोई भी कहीं से फोन आता है मेरे SI तुरंत 15-20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं, तो सफाई व्यवस्था पूर्ण तरह से ठीक है। कहीं अगर उनको लग रहा है या उनके जो पार्षद हैं वो कराने में सफल हैं या लापरवाह हैं, काम चोर है, तो उनके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद हैं वो बखूबी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, इन्होंने केवल भागना चाहिए। 2-3 दुर्गेश पाठक है और 2-3 आदमी इन्होंने स्पेशल एक किस्म से हायर टीम होती है इनकी, आज आप जाइए ना जो मैं अभी आ रहा था, केवल जो ये सिविल डिफेंस वाले उनको चलान के लिए लगा दिया। अब एक मैं सामने देख रहा दोनों गाड़ी में, मैं इधर से आ रहा था वो उधर से आ रहे थे, मास्क लगा रखा था दोनों ने गाड़ी, वो सिविल डिफेंस का गाड़ी क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को चलान काट रहे हैं, अब ये कटोरा लेकर सड़कों पर खड़े हैं। मलिक साहब, क्या लगता है डेंगू चिकनगुनिया जो है उसका भी दौर है, किस तरह से वार्ड में आप लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि जो बीमारी है ना फैले, इसके
पास जितने कर्मचारी हैं अब भी ऑन रोड है, सारे के सारे गलियों में जाते हैं। डीवीसी वर्कर थोड़ा सा इस कोरोना काल में लोग अंदर घरों में नहीं घुसने देते, लेकिन वो घर घर जाकर, आप हमारे सर्कल में जाइए मलेरिया सर्कल में, उनके पास नाम फोन नंबर लिस्ट है जिन घरों की वो विजिट करते हैं। इसी तरह जो CFW है लगातार, इस मेरे व्हाट्सएप पे देख लिए, मेरे वार्ड के नाम से है, अब जिस गली में अब भी लग रहा होगा आपको ये फोटो आ जाएंगे कि हमारा जो CFW है वहाँ दवाई छिड़क रहा है, एंटी लार्वा का जो काम चला हुआ है। जहाँ भी कोई कोविड पेशेंट यहाँ जो केस पॉजिटिव आ जाता है तो आज भी वहीं जाकर सैनिटाइज करते हैं। हम किसी तरह से इस बारे में कोई डरते नहीं, कोरोना को हमने बताना है, आना है और NCD जीतेगी। मलिक साहब, अंतिम में सवाल ये हूँ, अभी जो संगठनात्मक जो नियुक्तियाँ हुई हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य गुप्ता की हो या फिर आपकी जो जिलाध्यक्ष चुने गए हो उनकी हो या मंडल की, इस तरह से इसको देखते हैं सबसे कितनी मजबूती मिलेगी और जो टीम बनी है इस बार कैसी थी? आपने एक चीज़ को देखी होगी ना, भारतीय जनता पार्टी में साधारण से साधारण कार्यकर्ता, जो एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रदेश अध्यक्ष भी। ये परिवारवाद से दूर है, विद पार्टी विद द डिफरेंस। इसका अंतर केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, साधारण से साधारण कार्यकर्ता, वो किसी भी पद पर पहुंच सकता है। आपने इसका उदाहरण दे दिया, आदेश गुप्ता जी हैं, ABBP से अपना शुरू किया राजनीति और आज निगम पार्षद भी बने, मेयर भी बने और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी बने। तो साधारण कार्यकर्ता भी अगर अपनी मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो पार्टी उसके बारे में जरूर सोचती है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं, पूरे देश की पार्टी है, आम नागरिक की पार्टी। नगर निगम में लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 1.5 से 1.5 साल के बाद में निगम का चुनाव है, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार लगाए जा रहे हैं, तो लगता है चौथी बार फिर से आप लोग आ पाएंगे? बिल्कुल 100%, क्योंकि काम बोलता है। ये आप देख रहे हैं, अब भी आप देखिए पिछली बार में कितना कंट्रोल किया। अगर 10 मिनट में होता हो मुख्यमंत्री के, वहाँ आपने पता होगा कितना स्टाफ होता है, सफाई वाले भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने घर के गमले साफ, उनके मंत्री, अगर मैं अपनी टेबल साफ कर ली, मेरे पास तो है सफाई वाला नौकर रख रखे अपना, क्योंकि मैं स्वयं तो नहीं कर सकता और भी व्यवस्था देखनी होती। लेकिन अगर आज मैं ये कर दूँ अपने टेबल पर कपड़ा मार कर या अपने गमले साफ करके, तो पूरी दिल्ली साफ होगी? इनके मंत्री कहीं बाहर जाते हैं क्या? कहीं तो रोड पर जाता है, कहीं किसी गली में जाता हो, अपने घर पर ही 10 मिनट वो सफाई, उसी पानी में उड़ेगा वो साफ पानी, उसको उलट पुलट करके और जनता को ये दिखा देते हैं हमें सफाई। 10 मिनट में अगर लड़ाई लड़ी जाती हो तो हम भी अपने सभी CFW को, सभी कार्य सफाई कर्मचारियों को घर बिठा देते हैं 10 मिनट बैठ के अपने कार्यालय में, और हम सफाई कर देते हैं, होगी सफाई, झाड़ू मैंने एक बार उठा लिया और प्रतीक के तौर पर निकाल दिया, होगी सफाई। इसी तरह डेंगू का, चिकनगुनिया, मलेरिया का, एक बार अपने कुंवर में मैंने दवाई मार दी और फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया, होगी सफाई, मीडिया को दे देना है। प्रैक्टिकली हम लोग काम करते हैं, हम घर घर जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, पूरे अपनी कॉलोनियों में जाते हैं, पूरी तरह से सफाई व्यवस्था कराते हैं, पूरी दवाई छिड़कवाते हैं, ये काम होता है ऑन ग्राउंड। केवल मीडिया में छाने से और एडवर्टाइजमेंट देने से कोई काम नहीं होता, ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भी बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिल्ली नगर निगम से तमाम जो सवाल थे उनके जवाब देते हुए और ये बताते हुए कि आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए प्रोपेगंडा किया जा रहा है पूरी तरह से गलत है, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 15 साल के शासनकाल के बावजूद चौथी बार भी अगले साल सत्ता में काबिज होगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।